गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, वेलकम टू EVS ऑनलाइन क्लासेस। सो हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास, जैसा कि आपको पता है कि आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 18 को, टाइम को, और प्रीवियस क्लास में हम अपना चैप्टर 17 कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 18, जो कि हमारा है टाइम यानी समय। फ्रेंड्स, देयर आर वेरियस टाइम्स पीरियड्स ऑफ अ डे। तो देखो, जैसा कि आपको पता है कि एक दिन में बहुत सारा टाइम होता है, पीरियड्स होते हैं, किस तरह आवर्स होते हैं, सेकंड्स होती हैं, मिनट्स होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मॉर्निंग, नून, आफ्टरनून, इवनिंग एट नाइट। और एग्जांपल के लिए मॉर्निंग सुबह होती है, नून होती है, आफ्टरनून दोपहर होती है, इवनिंग नाइट रात होती है। इन फैक्ट ईच डे बिगिंस विद सनराइज एंड एंड्स विद डाउन। तो ईच डे, हर दिन सनराइज, सूर्य उगता है और सूर्य छिपता है। व्हेन द सन कम्स राइट अप इन द स्काई, इट इज़ आफ्टरनून टाइम। और जब सन बिल्कुल हमारे ऊपर आ जाता है, सर के ऊपर होता है, बिल्कुल स्काई में होता है ऊपर की साइड, उसको बोलते हैं आफ्टरनून टाइम। इन द इवनिंग आफ्टर द सनसेट द स्काई बिगन्स टू ग्रो डार्क। और जब सनसेट होने का टाइम होता है, संध्या का टाइम हो जाता है, शाम के टाइम स्काई कैसा होने लगता है? ग्रो डार्क, यानी हल्का हल्का अंधेरा होने लग जाता है। देन द मून एंड द स्टार्स कम आउट। और फिर मून और स्टार्स आ जाते हैं, इट इज़ नाइट। और फिर ये क्या हो जाती है, इसमें चेंज हो जाती है नाइट में, यानी रात आ जाती है। वॉट डज सैम डू इन अ डे? एक सैम नाम का एक बॉय है, वो दिन भर में क्या करता है? तो देखिए, Sam wakes up at 7 o'clock daily and then he gets ready for the school. Sam जो है वो daily 7 o'clock सुबह के 7 बजे उठता है और उसके बाद वो अपने स्कूल के लिए रेडी होता है। He reaches there by the 7:30 o'clock। और वो स्कूल कितने बजे पहुँचता है? 7:30 बजे, यानी 7:30 o'clock। After this he goes to the playground to play with his friends in free period at 12 o'clock noon time। उसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में खेलने जाता है फ्री पीरियड में। कितने बजे? 12 o'clock, यानी नून टाइम, दोपहर का टाइम होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून ही रिटर्न्स होम फ्रॉम स्कूल। और 2 o'clock यानी दोपहर के 2 बजे वो स्कूल से वापस घर आ जाता है। नो मोर द टाइम आफ्टर 12 o'clock इज़ आफ्टरनून। जब दोपहर के 12 o'clock 12 बजते हैं, उसके बाद के टाइम को क्या बोलते हैं? आफ्टरनून। इन द इवनिंग एट 5:30 o'clock ही गोज आउट टू प्ले विद हिज फ्रेंड। शाम के 5:30 बजे 5:30 o'clock वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाता है। ही टेक्स डिनर एट 9 o'clock। और वो डिनर कितने बजे लेता है? 9 o'clock, खाना खाता है रात को। ही स्लीप्स एट 9:30 o'clock। और उसके बाद वो 9:30 o'clock सो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, डे, मंथ एंड ईयर। दिन, महीना और साल। तो देखिए, रीड द गिवन टेबल टू नो द डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द डे। तो वन डे, एक दिन होता है, उसमें कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स, 24 घंटे। वन आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। एंड वन मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। ये जो टेबल है आप सबको लर्न करनी है अच्छे से। इसके बाद डेज ऑफ वीक, वीक में मंडे फर्स्ट डे होता है, ट्यूसडे सेकंड डे होता है, वेडनेसडे थर्ड डे, थर्सडे फोर्थ डे, फ्राइडे होता है फिफ्थ डे, सैटरडे होता है सिक्स्थ डे, और संडे लास्ट डे होता है हमारा 7th डे। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, इट बिगिंस फ्रॉम मंडे एंड एंड्स विद द लास्ट डे ऑफ द वीक संडे, ठीक है। ईच वीक यानी हर वीक में, हर सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। फर्स्ट डे मंडे से शुरू होकर लास्ट डे जो कि हमारा संडे है उस पर ख़त्म हो जाते हैं। नो मोर में देखिए, फेब्रवरी हैज 28 डेज, एवरी फोर्थ ईयर इट हैज़ 29 डेज, दिस इज़ नोन एज लीप ईयर। देखिए, जो फेब्रवरी है उसमें 28 डेज होते हैं, हर फोर्थ ईयर में, हर 4 साल में उसमें एक फेब्रवरी में 29 डेज होते हैं, जिसको कौन सा ईयर बोला जाता है? लीप ईयर। आगे देखिए, देर आर 12 मंथ्स और 365 डेज इन अ ईयर। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको पता है कि हमारे 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं और टोटल डेज होते हैं हमारे 1 ईयर में 365 डेज। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सारे क्या हैं? हमारे
मंथ्स नेम है और इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। आगे चलते हैं। लेट अस नो इजी वे टू रिमेंबर द डेज ऑफ मंथ। तो मेक अ फिस्ट विद वन हैंड, नाउ विद द अदर हैंड पॉइंट टू नकल एंड काउंट द फर्स्ट नकल ऑन योर फिस्ट एट जनवरी, इट हैज 31 डेज। तो इनको हाथों पर काउंट करना है, जैसे जनवरी में 31 डेज होते हैं, आगे फरवरी में आपको पता है 20 डेज होंगे, इसके बाद मार्च में कितने होंगे, 31 होंगे, इसी तरह चलते जाना है। सिमिलरली ऑल द मंथ्स विच फॉल ऑन द नकल्स हैव 31 डेज, सभी नकल्स पर होंगे 31 डेज, एंड द मंथ विच फॉल इन बिटवीन, जो बिटवीन में आएंगे द नकल्स हैव 30 डेज एक्सेप्ट फरवरी, क्योंकि फरवरी में कितने होते हैं, 28 होते हैं, और जो लीप ईयर होता है उसमें होते हैं 29 डेज। फॉलो दिस सिंपल मेथड एंड राइट द नंबर ऑफ डेज ऑफ ईच मंथ। तो जनवरी फरवरी सभी यहाँ पे मंथ नेम दिए हुए हैं, और कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 या 30, जिसमें 28 होता है उसमें 28 लिखना है। इसके अलावा जनवरी फरवरी मार्च सभी में आपको डेज लिखने हैं, कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं, ठीक है। और इसी के साथ जो अपना चैप्टर है, चैप्टर 18 टाइम, वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करना, रीडिंग करना इसकी वापस से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ़।